सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-21-23-494 पर। महिला संघ की जिला अध्यक्ष बहन सरोज जूटी जी, सभी हल्का इकाई के अध्यक्षगण, युवा के हमारे अध्यक्ष अजय गोड़ा जी, एनसो के अध्यक्ष अमन गिल जी, मंच संचालन कर रहे अंजलि नड्डा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गो नौजवान दोस्तों, आज की ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग दो मकसद को लेकर के बुलाई गई। एक तो हम पार्टी के संगठन को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत कैसे बनाएं, कैसे इसे बूथ स्तर तक लेकर के जाएं, और दूसरा अजीत दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी का न्योता और निमंत्रण देने के लिए आपके लिए। कोई भी राजनीतिक दल संगठन के बलबूते पर ही बनता है, और जो संगठन मजबूत जिस दल का हो वही सत्ता हासिल किया करता है। आपके सामने उदाहरण है सौ सौ साल पुराने राजनीतिक दलों का। कांग्रेस जो सौ साल से भी पुराना राजनीतिक दल है, आज 8.5 वर्ष हो गए जिन दिन इनके प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, रोजाना जूतियों में खीर बटती है, अपना संगठन अब तक खड़ा नहीं कर पाए। यही वजह है कि वो लोक सत्ता से दूर है और दूर ही रहेंगे। दूसरी तरफ जुमा 4 वर्ष पहले पैदा हुए राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी, जिसे आपने पांडु पिटारा की उस पावन पवित्र धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, ये है प्रभु के रंग, और जिसे अपना आशीर्वाद सहयोग समर्थन प्यार लाड और दुलार दिया, उसने थोड़े से समय में विपरीत परिस्थितियों में आपके सामने जहां पार्टी का नया संगठन खड़ा करने का काम किया, वहीं उन विपरीत परिस्थितियों में 3 दिन चुनाव भी झेले। पहले लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर जीत का उपचुनाव आ गया, और फिर असेंबली के चुनाव आए। बुजुर्गो नौजवान दोस्तों, आपका प्यार प्रेम सहयोग और आशीर्वाद मिला, उसी की बदौलत उस होनहार नौजवान ने अपने साथ 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश के असेंबली में ले जाने का काम किया। 17.5% वोट आपने दिए, और उन 17.5% वोटों की बदौलत और 10 विधायकों की बदौलत राजभाग में साझेदारी हासिल हुई। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक लाली आई। 15 वर्ष से जो सत्ता से दूर बैठे थे, उन्हें उम्मीद जगी कि अब सरकार आई है, बच्चों को रोजगार मिलेंगे, ट्रांसफर होंगे, विकास के काम होंगे, दूसरी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु बुजुर्गो नौजवान दोस्तों, ना चाहते हुए भी मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि चाहते हुए भी हम आप लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए।
उसके कारण रहे। जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, और उससे उभरे तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की भी अगर सबसे ज्यादा मार किसी पर पड़ी तो वो हमारे पर पड़ी। रोजाना विरोध पक्ष के लोग दुष्यंत इस्तीफा दे दो, दुष्यंत इस्तीफा दे दो। क्यों भाई, दुष्यंत ने कोई कृषि कानून बनाए थे क्या, या उसने लागू करवाए थे? परंतु लोगों ने एक बात पकड़ ली, हमारे भी बहुत सारे लोग यहां पक्का मोर्चा लगा करके बैठे रहे, कुछ दिल्ली जाकर के बैठ गए, निरंतर इस बात का प्रचार करते रहे। इस्तीफा तो हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था ना, इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था ना, कुछ हासिल किया क्या? अकाली दल को कुछ मिला क्या? अभय सिंह चौटाला को कुछ मिला क्या? इस्तीफों से बात नहीं बनती, बात बनती है राज की कलम से। और उसके लिए जैसा मैंने मेरे से पूर्व राजेंद्र लिताड़े जी ने और अजीज रविंद्र सांगवान ने कहा कि अभी आपका संघर्ष अधूरा है, इसके लिए आपके पास डेढ़ वर्ष का समय है। इस डेढ़ वर्ष के अरसे में पार्टी के संगठन को जन जन तक पहुंचाने का काम हमने करना है, और जैसा इस वर्मा जी कह रहे थे उसके लिए अभी से हमें प्रयास करने होंगे। गांव में घर घर जाएं, अपनी पार्टी की नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों को बताएं कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी पिछले चुनाव में जो वायदे चुनाव घोषणा पत्र के जरिए किए थे उनको बाकायदा कानून बनवा करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में लागू करवाने का काम किया है। ठीक है, हम आपकी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए, वो तभी होगा, वो चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब वाले राज की मौज तो तब लूट पाओगे जब पूरा राज आपका। इसलिए मिशन 2024 दुष्यंत लेकर के अभी से चले, और उसके लिए हर बूथ पर एक बूथ योद्धा, जो पढ़ा लिखा होनहार नौजवान हो, और उसके साथ साथ हर बूथ पे माताएं और बहने, एक बूथ सखी, और उसके साथ साथ एक पोलिंग एजेंट जिसके पास पूरा विवरण हो, ऐसा एक संगठन तजर्बेकार लोगों के साथ खड़ा किया गया है। अगर इस तरह का गठन हम बूथ स्तर पर करने में कामयाब रहे तो फिर निश्चित तौर पर मिशन 2024 को पूरा करने में कोई रोक नहीं सकता। बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, पर यह संभव तभी हो पाएगा जब हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। ना अकेले राजेश सिंह चौटाला कर सकता, ना सरदार निशान सिंह कर सकते, ना सरवजीत मसीता कर सकता। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर इसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यही कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। और दूसरा खुशी का अवसर है, आगामी 15 मार्च को दिग्विजय सिंह चौटाला की शादी है, उसके लिए 10 तारीख को प्रतिभोज का आयोजन सिरसा में रखा गया है। अपने शादी ब्याह का न्योता और निमंत्रण पीले चावल और कार्डों के साथ दिया जाता है। यह आप सब के पीले चावल और कार्ड में लेकर के आया हूं। सभी हल्का इकाई के अध्यक्ष जो हैं, वो अपने अपने हल्के के पीले चावल और कार्ड मुझसे प्राप्त कर लें, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाएं, पार्टी के एक एक समर्पित कार्यकर्ता तक पहुंचाएं, और सबको न्योता देकर के बुलाने का काम करें। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इनसे भी कोई चूक हो जाए तो आप भी मेरे सारे परिवार के मेंबर हो,
आपसे भी कहूंगा कि आप आना और सबसे साथ लेकर के सब लोगों को लेके आना, और 10 तारीख को अपने उस अजीज को आशीर्वाद देने का काम करना। यही कहते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा। आप अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके आए, आज की इस कार्यकर्ता मीटिंग में हिस्सा लिया। आप